फिल्म जगत के यादों के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि दो कलाकारों के नाम एक जैसे होने के कारण बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। मुश्किलें तब आती हैं जब ऐसे कलाकार का ताल्लुक पुराने जमाने से हो। नाम और जमाना एक होने के चलते उनके फिल्मोग्राफी और बायोग्राफी भी एक हो जाती है। आज मैं जिस हस्ती की बात करने वाली हूँ उन्हें कुछ लोग श्याम इस नाम से पहचानते हैं तो कोई उन्हें श्याम कुमार समझ बैठता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रुषिता और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं कहानी सुनाने वाली हूं मशहूर एक्टर श्याम की, जो 40 और 50 के दशक में हैंडसम हीरो हुआ करते थे, पर दुर्भाग्य से उन्हें कुछ लोग श्याम कुमार समझते हैं। पर दुखद बात ये भी थी कि 60 का जमाना लगते लगते श्याम ये दुनिया छोड़कर चले गए, वो भी मात्र 31 के उम्र में। उनके देहांत के बाद श्याम कुमार नामक एक्टर ने कुछ फिल्में की, जिसके चलते इन दो अभिनेताओं की फिल्मोग्राफी एक हो गई। असल में श्याम कुमार भी अपने जमाने के मशहूर सिंगर और विलन हुआ करते थे। आपने दो फूल एक माली फिल्म देखी होगी। इस फिल्म में टी शर्ट पहने हुए जो विलन है वो श्याम कुमार है। अगर आप भी श्याम और श्याम कुमार को लेकर भ्रम में थे तो अब आपका भ्रम जरूर दूर हो गया होगा, तो इसीलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। सुंदर श्याम चड्ढा उर्फ श्याम का जन्म अविभाजित भारत के सियालकोट में 20 फरवरी 1920 को हुआ था। उनका परिवार पुराने विचारधारा से था, इसलिए फिल्मों के प्रति उनके विचार हमेशा विरोध में थे। पर श्याम को बचपन से अभिनय की लत लग गई, पर फिर भी श्याम ने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू रखी। उनके पिताजी सीताराम चड्ढा भारतीय सेना में कार्यरत थे, वही माताजी चरण देवी घर संभाला करती थी। क्योंकि माताजी बहुत खूबसूरत थी इसलिए श्याम को भी खूबसूरती विरासत में मिली। श्याम अपने 4 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े थे। दुखद सिलसिला तब शुरू हुआ जब श्याम के बाल आयु में माताजी का देहांत हुआ। इस कारण से श्याम पर जवाबदारी का बोझ भी आ गया। जैसे जैसे श्याम बड़े हुए उनका मन अभिनय के प्रति झुकने लगा। रावलपिंडी के मशहूर महाविद्यालय गार्डन कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की। कॉलेज के जमाने से वे स्टेज शो में हिस्सा लेते थे। इसके साथ वे ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ गार्डन कॉलेज के प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा 1941 के जमाने में वे इंग्लिश उर्दू न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने का काम भी किया करते थे। अभिनय के लिए श्याम की इस दिल लगी से पिताजी बहुत खफा थे, पर फिर भी उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। पढ़ाई लिखाई के बाद भी उनका मन रावलपिंडी में नहीं लगता था। फिल्मों के ऑडिशन के लिए वे यहाँ वहाँ भटकने लगे। अभिनय के प्रति उनके विचारों को समझने वाले सिर्फ उनके चाचा ताराचंद चड्ढा थे। बाद में ताराचंद ने श्याम के पिताजी को समझाया कि आपके बेटे को जिस काम में खुशी मिलेगी वो काम उसे करने दे। तो इस तरह से चाचा के कारण उनका रास्ता साफ हो गया और अगले दिन उन्होंने मुंबई आने के लिए ट्रेन पकड़ी। मुंबई आकर उन्होंने बॉम्बे स्टूडियो में ऑडिशन दिया। वहां उनका चयन तो नहीं हुआ, पर जेके नंदा ने उन्हें अपना असिस्टेंट नियुक्त किया। कुछ महीने मुंबई में गुजारने के बाद वे फिर से लाहौर लौट गए। यहाँ आकर उन्हें अपने जीवन की पहली पंजाबी फिल्म मिली। 1942 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम गवंडी था, जिसमें अपने जमाने के स्टार एक्ट्रेस वीणा, मनोरमा, एम स्माइल और आशा पुसले ने भी काम किया था। गवंडी की सफलता के बाद श्याम को महसूस होने लगा कि वे फिल्म जगत के लिए बने हैं। अपनी मातृभूमि में रहकर श्याम ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और बन गए भारतीय फिल्म जगत के उभरते सुपरस्टार। गवंडी की सफलता के बाद 1944 में मन की जीत फिल्म में भी कमाल कर दिया। इसके अलावा 1943 की फिल्म रूम नंबर 1 भी कमाल की हिट हुई। श्याम का जीवन पंजाब क्षेत्र में अच्छी तरह से बीत रहा था, पर अचानक खबर आई कि भारत का विभाजन होने वाला है। वो काल जितना आम इंसान के लिए बुरा था उतना ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी दर्दनाक था, क्योंकि सिर्फ जमीन और धर्म का बंटवारा नहीं हुआ बल्कि दोस्तों का भी बंटवारा हुआ।
जो कलाकार धर्म के परे थे उन्हें भी किसी एक देश को चुनना था। किसी कारण से श्याम को भी मुंबई दोबारा लौटना पड़ा। बंटवारे का दर्द मन में दबाए वे फिर से ऑडिशन देने बॉम्बे स्टूडियो गए। ये वही स्टूडियो था जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, पर इस बार श्याम की किस्मत अच्छी थी। उत्कृष्ट फिल्म में बैकग्राउंड खूबसूरती के कारण श्याम को मजबूर इस फिल्म में बतौर हीरो कास्ट किया गया। उनकी हीरोइन थी मशहूर एक्ट्रेस मुनव्वर सुल्ताना। 1948 में रिलीज हुई मजबूर इस फिल्म ने कमाल की सफलता बटोरी। इसको देखते हुए उस जमाने के मशहूर लेखक बाबूराव पटेल ने फिल्मी इंडिया मैगजीन में ये बात लिखी, श्याम नामक नवोदित कलाकार आने वाले समय में अशोक कुमार और मोतीलाल की जगह ले सकता है। जिस इंसान की बराबरी मोतीलाल और अशोक कुमार से हुई, वो इंसान अपने आप में कितने उच्चतम श्रेणी का कलाकार होगा, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। पर सौभाग्य है उन दर्शकों का जिन्होंने बड़े पर्दे पर श्याम को देखा होगा। 1948 के बाद श्याम ने सफलता की सीमा पार कर दी। 1949 के साल में रिलीज पतंगा, दिल लगी, बाजार, इन चार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना सिर्फ फिल्म हिट हुई बल्कि इन फिल्मों के गीतों ने भी जादू बिखेर दिया। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, तेरे कूचे में तेरा दीवाना, साजन की गलियां छोड़ चले, शहीदों तुमको मेरा सलाम, ये वो गाने हैं जिनसे वो जमाना अमर हो गया। श्याम के मुख्य हीरोइन के मुनव्वर निगार सुल्ताना और सुरैया आती हैं, पर श्याम का दिल धड़कता था मुमताज कुरैशी के लिए, जिनसे उन्होंने 1940 के साल में शादी की थी। वैसे तो श्याम ने अपने जमाने के सभी हीरोइंस के साथ काम किया, जिसमें नसीम बानू, नरगिस, रेहाना और मीरा शोरी भी शामिल हैं। श्याम के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी। उनकी गहरी दोस्ती प्रसिद्ध लेखक सआदत हसन मंटो के साथ थी, जो पार्टीशन के दौरान भारत में रहे, पर जातिवादी और दंगों के चलते उन्हें पाकिस्तान बसना पड़ा। वहां भी मंटो ने पार्टीशन का कड़ा विरोध किया। मंटो के जीवन कार्य में श्याम का बड़ा योगदान था। कहते हैं भगवान हर किसी को एक जैसी किस्मत नहीं देता। इतनी सफलता देने के बाद एक हादसे के कारण सुंदर श्याम चड्ढा के चैप्टर पर फुल स्टॉप लग गया। दरअसल वे 1951 साल में नसीम बानू के साथ शबिस्तान फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो रही थी, पर 25 अप्रैल 1951 के दिन घुड़दौड़ का सीन फिल्माते वक्त श्याम घोड़े से नीचे गिर गए और पीछे से आ रहे दूसरे घोड़े भागते हुए उन पर गुजरने लगे। इस खतरनाक हादसे के कारण श्याम के सिर पर गहरी चोट लगी और वहीं उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद शबिस्तान की शूटिंग बॉडी डबर को लेकर खत्म की गई। श्याम के देहांत से फिल्म जगत को भारी नुकसान और दर्द भी हुआ, क्योंकि वे एक ऐसे स्टार थे जो अगर जिंदा रहते तो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देव आनंद जैसे महान अभिनेताओं की सूची में आते। वे तो 31 साल की उम्र में गुजर गए, पर पीछे यादें छोड़ गए। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी मुमताज कुरैशी पाकिस्तान बस गई। श्याम की बेटी साहिरा पाकिस्तानी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। आपको ये भी बता दूं कि जब श्याम का देहांत हुआ तब कुरैशी गर्भवती थी। निधन के 2 महीने के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम शाकिर श्याम अंसारी है।